हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पथिक द गाइड। फ्रेंड्स, हमारी पिछली वीडियो रोड ट्रिप काठगोदाम टू हेड़ाखान आपने देखा। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वह वीडियो वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं पहाड़ों की हरी भरी वादियों, घाटियों और नदियों के बीच एक बेहद ही शांत और देश विदेश में प्रसिद्ध विलेज हेड़ाखान में। फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडियंस से ज़्यादा फॉरनर्स देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ हेड़ाखान आश्रम के गेट पर, तो चलिए चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं फॉरनर्स की पसंदीदा जगहों में से एक इस प्लेस को। आश्रम का व्यू काफ़ी अच्छा है और यहाँ की साफ सफाई भी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, पहले पूरा आश्रम देखते हैं, उसके बाद मंदिर देखेंगे। यह है यहाँ का ऑफिस। अगर आप भी यहाँ रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन जान सकते हैं और रुक सकते हैं। आश्रम से पहाड़ों का व्यू काफी अच्छा है फ्रेंड्स, और यहाँ की दीवार पर श्री राम जी और हनुमान जी को दर्शाया गया है। अब चलते हैं नीचे की तरफ और देखते हैं कि आगे और क्या क्या है। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं नीचे और यहाँ की दीवार पर भगवान भोलेनाथ को दर्शाया गया है। फ्रेंड्स, आश्रम के रेजिडेंस एरिया को एक्सप्लोर करते हुए हम बाहर की तरफ आ गए हैं। रेजिडेंस एरिया से बाहर निकलने के बाद यहाँ पर एक भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर एंट्री करते ही राइट साइड में नंदी महाराज की प्रतिमा विद्यमान है। नंदी महाराज जी के दर्शन के पश्चात आगे बढ़ने पर हमें बाबा हेड़ाखान जी के दर्शन हुए। फ्रेंड्स, इस समय यहाँ पर लाइट नहीं है तो वीडियो में थोड़ा अंधेरा आ रहा है। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो में अंधेरा थोड़ा कम आए। फ्रेंड्स, ये भगवान शिव का शिवलिंग और यहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा भी बनी हुई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से वीडियो उतनी साफ नहीं आ पा रही है। तो फ्रेंड्स, भगवान भोले के दर्शन करने के बाद अब चलते हैं मंदिर के बाहर। फ्रेंड्स, मंदिर से बाहर आने के बाद अब चलते हैं नीचे की तरफ। फ्रेंड्स, शिव मंदिर के मेन गेट पर दोनों साइड में हनुमान जी की सुंदर प्रतिमा लगी हुई है, और हनुमान जी की प्रतिमा के बराबर में ही काफ़ी अच्छी पेंटिंग दीवार पर बनी हुई है। पेंटिंग बहुत अच्छी बनी हुई है फ्रेंड्स, सुंदर सी पेंटिंग देखने के बाद अब चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी तक मैं 4-5 बार आ चुका हूँ। अभी तक तो बहुत सारे फॉरनर्स हमें यहाँ देखने को मिल जाते थे, लेकिन आज अभी तक हमें एक भी फॉरनर्स देखने को नहीं मिला। शायद कोरोना वायरस महामारी की वजह से सारे फॉरनर्स अपने अपने देश को वापस लौट गए हैं। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से लगभग 100 सीढ़ियाँ नीचे उतरेंगे। नीचे देखते हैं, शायद कोई फॉरनर्स मिल जाए। नीचे नहर है, पहाड़ हैं और मंदिर भी है, तो वहाँ पर भी बहुत से फॉरनर्स होते हैं जो पूजा पाठ करते हुए मिल जाते हैं। तो आगे देखते हैं, शायद कोई फॉरनर्स हमें आगे मिल जाए। लगभग 100 सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद हम आ गए हैं गार्डन में। यह गार्डन काफ़ी अच्छा बना हुआ है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, गार्डन के एक साइड में बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा हवन कुंड बना हुआ है, तो अभी हम उधर की तरफ ही जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम आ गए हवन कुंड के पास। यहाँ पर हमें एक स्पेन का नागरिक पूजा पाठ करते हुए मिला। इस बंदे का नाम मोहनलाल है। फ्रेंड्स, यह है यहाँ का हवन कुंड। फ्रेंड्स, हवन कुंड के पास बैठकर हमने थोड़ी सी उपासना की और ध्यान भी लगाया। यहाँ पर ध्यान लगाने से हमें आत्मिक सुख की अनुभूति हुई, जिसको शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है।
हवन कुंड से बाहर आने के बाद हमें मिस लीला मिली, जो कि इटली की नागरिक हैं। हमने इनके साथ सेल्फी भी ली। इटली और स्पेन के नागरिकों से मिलने के बाद अब चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर आपको रिवर, पहाड़ और मंदिर का खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं नदी के पास। यहाँ का व्यू काफ़ी खूबसूरत है। कलकल बहती नदी और नदी के उस पार मंदिर का व्यू काफ़ी खूबसूरत है। फ्रेंड्स, इस समय बरसात का सीज़न चल रहा है और नदी में बहाव बहुत अधिक है, नहीं तो मैं नदी के उस पार जाकर आपको मंदिर और गुफा भी दिखाता। वैसे तो नदी पार करने के लिए एक ट्रॉली भी लगी हुई है, लेकिन यह सुविधा केवल आश्रम के स्टाफ और यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए ही है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे और ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।